image of clouds and trees in water are always less bright than in reality it is because water is making the image dirty there is an optical illusion due to which the image appears to be less bright only a portion of incident light is reflected and quite a large portion goes mid water air एवव द सर्फेस ऑफ वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर तो इन दिस केस देखो जब कोई साइनिंग सर्फेस होती है तो उससे इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमें पूरी इमेज दिखती है ब्राइट दिखती है ठीक है नाउ अब जब हम वाटर सर्फेस की बात करेंगे तो वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगी सो ओनली अ पोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो होगा रिफ्लेक्ट होगा और रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो मिड वाटर में चला जाएगा बिकॉज रिफ्रैक्टिंग होगी वो अपना पाथ चेंज कर लेगा रिफ्रैक्शन होगा दैट्स वाई उसका पाथ चेंज होकर वो मिड वाटर में चली जाएगी हैंस द इमेज जो होगी क्लाउड्स और ट्रीज की वो वाटर में हमेशा लेस ब्राइटर होगी इन कंपेरिजन टू रियल इमेज तो सी इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा रिफ्रेक्शन भी होगा क्योंकि वो पाथ को चेंज करेगी रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन बहुत कम पोर्शन का होगा दैट्स वाई वो एक्चुअल रिमेज से लेस ब्राइटर होगी नंबर थर्ड मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोर्स फर्स्ट है अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास नो कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया नो यूज बाई डेंटिस्ट नो द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड नो द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट जो हम अपने घर में यूज करते हैं मीन्स ए स्के समझ जाएगा अ कॉन्वेक्स कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया दिस इज करेक्ट फॉर बी और यूज बाय डेंटिस्ट नो द इमेज इज मिरर है लेंस की बात करता तो हो सकता था बट यहाँ मिरर की बात कर कराए तो नो द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड दिस इज रॉन्ग द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन द साइज दैन द ऑब्जेक्ट तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर बी ना कॉन्वेक्स लेंसेज कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज बाई कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज एज अ मैग्निफाइंग ग्लास तो ये हो जाएगा सी अन्केव मेरर कॉन्केव मेरर यूज बाई डेंटिस्ट टू सी द इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ ये आप अपनी बुक में देखोगे तो वहां पर एग्जाम्पल्स में यूज होगा कि कॉनकेव मेरर को यूज करते हैं डेंटिस्ट तो ये हो जाएगा डी के लिए ठीक है फिर अ कॉन्केव लेंस द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइंड

and sixth code means C is the right option. As shown in the figure, a particle is placed at O in front of plane mirror M. This is plane mirror aur ye hai ek particle jo placed hai at O. A man at P can move along path PY and PY dash. तो एक man है जो P पर खड़ा है या तो वो ऊपर जा सकता है या downward this direction. Then which of the following is true? तो हमें बताना है कि इसमें कि for all points on PY means कि इस पर मैन कैन सी द इमेज ऑफ ओ तो लेट सी पहले हम इसका रिफ्लेक्शन चेक करते हैं ठीक है तो यहाँ जो इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन जो होगा यह होगा यहाँ से जो होगा वो दिस साइड होगा ठीक तो यहाँ जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का और यहाँ जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का ठीक नाउ रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे जो होगा तो इमेज जो P की अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी वो सेम डिस्टेंस में बनेगी मींस यहाँ पर देख सकता है D को ही देख सकता है D के सारे पोर्शंस को देख सकता है बट यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा ये डाउन की डायरेक्शन में जा रही है ना तो यहां के हर पॉइंट को देख सकता है ठीक है तो क्या हो जाएगा फॉर ऑल पॉइंट ऑफ पी वाई डैश मैन कैन सी द इमेज बट फॉर नो पॉइंट ऑन पी वाई तो दिस इज रॉन्ग फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन पी वाई डैश

फोकस पर होगा नो no. इन्फिनीटी पे होगा नहीं बिटवीन सी एंड एफ होगा नो कर्वेचर एंड फोकस के बीच में नो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सी पर ही होगा हाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा बट अपोजिट होगा ठीक है अगर इमेज यहाँ पे रखी थी तो सेम पॉइंट पर बनेगी बट इन्वर्टेड होगी तो डी इज द राइट ऑप्शन सिक्स वेन द ऑब्जेक्ट इज मूवड स्लाइटली क्लोजर टू अ कन्वर्जिंग लेंस द इमेज में इंक्रीज इन साइज एंड मूव क्लोजर टू द लेंस दिस इज रॉन्ग ठीक है इनक्रीज इन साइज एंड मूव फार्थर अवे फ्रॉम द लेंस तो ये अपोजिट दिखेगा वहां पर कि जैसे वो पास आएगी तो उसमें हमें दूर जाता क्वेश्चन प्लेन मिरर इफ द ऑब्जेक्ट एंड मरर स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विद द स्पीड वी अलोंग अट्रेट लाइन देन स्पीड ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिररर इज देखो अब क्या होगा मिरर भी दूर जा रहा है और ऑब्जेक्ट भी दूर जा रहा है और दोनों के स्पीड सेम है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस तेजी से बढ़ेगी बिकॉज अगर वन मीटर ये गया तो वन मीटर ये भी गया तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी टू मीटर मीन्स की जो स्पीड हो जाएगी देन स्पीड ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगी टू बी जस्ट डबल तो ए इज द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज आर पॉसिबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस इसमें से एक या दो कौन से केसेस करेक्ट होंगे तो सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि सेम दिख रहा है ठीक है इसके में क्या हो रहा है इमेज बढ़ जा रही है इसमें क्या हो रहा है सेम इमेज है बट इन्वर्टेड है ठीक है तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही सही है अब ये कब होंगे जब मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है कॉन्वेक्स लेंस है क्लियरली मैंशन है अगर हम उसको ऑब्जेक्ट के क्लोज लाएंगे तो वो अपराइट होगा मीन्स सेम होगा और बड़ा होगा बट अगर हम उसको उससे दूर लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज लार्ज से स्मॉल हो जाएगा और इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड हो जाएगी मीन्स थर्ड वन तो बी इज करेक्ट पास लाने पर मैग्नीफाइड होगा सेम होगा दूर ले जाने पर इनवर्टेड हो जाएगा अ बस ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज बस एट अ स्पीड ऑफ एट मीटर पर सेकेंड द रियर व्यू मिरर ऑफ अ बस इज अ प्लेन मिरर द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर, द इमेज ऑफ अ कार पार्क बिहाइंड हिज बस द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ कार अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर्स और कार विल बी। अब वो क्या हो रहा है रिवर्स में जा रहा है कार वहीं खड़ी है तो क्या होगा डबल डबल स्पीड दिखेगी मीन्स की टू इंटू एट इज इक्वल टू सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड अ रे ऑफ लाइट पैल टू फ्लोर स्ट्राइक्स अ प्लेन मिररर विच इज इंक्लाइंड एट एंगल 40 डिग्री शोन इन द फिगर वॉट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें यहां बताना है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा ठीक है यह हमारी इंसिडेंट रे है और जब रिफ्लेक्टेड होगी वह कैसी होगी प्लेन मिरर है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ठीके? ठीक है ठीक ये हमारा नॉर्मल पॉइंट एन हो गया जो इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये एंगल जो होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा और ये जो होगा ये रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा ठीक नाउ अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट हो गए ऑल्टरनेट एंगल हो गए ये फोर्टी डिग्री होगा तो ये भी हमारा फोर्टी डिग्री होगा नाउ ये जो टोटल एंगल होगा दिस विल बी नाइन्टी डिग्री ठीक है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन्टी डिग्री माइनस फोर्टी डिग्री इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री ठीक है और जो एंगल आई होगा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल बोथ सेम होंगे मींस 50 डिग्री तो सी इज द राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैन इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस वन मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर एम एन इन फ्रंट ऑफ हिम ही वांट्स टू सी द एंटायर वॉल ऑफ हाइट एच इन मिरर विच इज एट डिस्टेंस फाइव मीटर बिहाइंड द मैन फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि एक पर्सन है सपोज दिस वन वो मिरर से वन मीटर की डिस्टेंस पे है लेट दिस इज मिरर इसको हमने नाम दे दिया एम एन बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मैंशन है एंड दिस इज प्लेन मिरर और पर्सन जो है वो फ्रंट ऑफ मिरर है तो दिस इज बैक और ये फ्रंट ऑफ मिरर है ये हमारा पर्सन है इसकी डिस्टेंस क्या है वन मीटर नाउ दिस पर्सन वॉन्ट टू सी द इमेज ऑफ वॉल अब एक वॉल की इमेज को देखना चाहता है और कंप्लीटली मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को जिसकी डिस्टेंस जिसकी हाइट क्या है एच और इस वॉल की डिस्टेंस इस पर्सन से फाइव मीटर की है ठीक है तो नाउ अब हमें बताना है कि अगर ये पूरी डिस्टेंस का वॉल अगर ये पूरी हाइट की वॉल उसको कंप्लीटली देखनी है तो व्हाट इज द साइज ऑफ मिरर हमें मिरर का साइज बताना है ठीक तो सबसे पहले तो प्लेन मिरर है तो इमेज जो है वो सेम दिखनी चाहिए मींस ये जो पर्सन है जब वो इमेज को देखेगा तो उसकी हाइट शुड बी सेम मीन्स की जो हाइट यहाँ थी मीन्स दिस वन ये वाली लाइन को आप कंसीडर करना ठीक है ये हाइट कितनी है एच ठीक है नाउ अब वो इस पॉइंट पर खड़ा है ना और इमेज दिखेगी कितनी दूरी पे यहां से तो वो सिक्स हो गई और यहां से ये वाली मीन्स सिक्स प्लस वन यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी सिक्स प्लस वन ठीक है ये डिस्टेंस तो नाउ अब हमें ये हाइट बतानी है तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइट ऑफ मिरर एम एम इट ऑफ वॉल एच पर्सन की डिस्टेंस पर्सन के मिरर से पर्सन की डिस्टेंस डेट इज वन और इमेज की डिस्टेंस पर्सन से तो वो हमने क्या निकाली सिक्स प्लस वन सेवन ठीक है तो ये यहां से एम एन मीन्स हाइट ऑफ मिररर विल बी एच बाई सेवन ठीक है क्लियर हो गया कब दिखेगा एच बाई से कॉमन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो लेट की जो पर्सन है वो मिरर से x मीटर पर खड़ा है ठीक है और ये जो वॉल है वो पर्सन से y की डिस्टेंस पर है ठीक है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हाइट ऑफ मिरर डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू पर्सन डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पर्सन विथ मिरर प्लस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम द पर्सन मीन्स एक्स प्लस वाई इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो दिस इज जनरल फॉर्मूला तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ह्यूमन आई हैज अ कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम दैट प्रोड्यूस एन इमेज एट द बैक ऑफ द आई इफ द आई व्यूज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस लिखा है कन्वर्जिंग लेंस वाला सिस्टम होता है और आई से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूरी पर है तो कैसी इमेज फॉर्म होती है रियल इरेक्ट स्मॉल इन साइज रॉन्ग ठीक है रियल इन्वर्टेड एंड डिवनिस्ट तो बी इज द राइट ऑप्शन वॉट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस वेन अ रे ऑफ लाइट इंसीडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी तो क्या होता है वॉट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस वैन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को रीट्रेस करेगी मीन्स की अपोजिट नहीं जाएगी तो उनके बीच सेम पाथ पे जा रही है तो एंगल क्या हो जाएगा जीरो अब यहाँ लिखा है इफ अ पिन इज प्लेस्ड दिस इज पिन इज placed in front of and to the right of the plane mirror. ये right side है और ये plane mirror है ठीक है और उसके front में है ठीक है Where is image of a pin formed? तो यहाँ reflection होगा तो image कहाँ formed होगी R पर होगी Q और P पर नहीं होगी तो C is the right option. कि रेड कलर्ड मार्बल इन ब्लू कलर्ड वास मेड ऑफ़ ग्लास देन द कलर ऑफ़ रेड कलर मार्बल्स विल अपेयर उनका क्या कलर होगा तो इसके लिए हमें समझना होगा कि जब रेड कलर के मार्बल को हम ब्लू कलर के बास में रखेंगे तो ये ब्लैक अपेयर होगा उसका रीज़न क्या होगा तो वास था ट्रांसपेरेंट था मतलब ग्लास का था जो कलर का लिक्विड उसमें होगा वो वही कलर का दिखेगा तो जब उस पर लाइट जाएगी तो वो एक्सेप्ट ब्लू सबको एब्जॉर्व कर लेगा मीन्स हमें ब्लू ही दिखेगा और जब ये ब्लू कलर का ब्लू कलर और जब उसमें हम रेड कलर के मार्बल को डालेंगे तो वो जो रेड कलर के मार्बल्स होंगे वो ब्लू कलर को एब्सॉर्व कर लेंगे तो कोई भी लाइट एमिट नहीं होगी दैट्स वाई हमें ब्लैक कलर देखिएगा नाउ अचीवर सेक्शन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट वर्ड इट इज वन इट इज नॉट पॉसिबल टू फोटोग्राफ अ वर्चुअल इमेज तो दिस इज रॉन्ग वी कैन टेक इमेज ऑफ वर्चुअल इमेज एंड इमेज इज सेट टू बी वर्चुअल इफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्स डाइवर्जिंग इन नेचर तो दिस इज करेक्ट मीन्स स्टेटमेंट टू इज करेक्ट स्टेटमेंट वन इज फॉल्स तो यहाँ लिखेंगे डी ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू ठीक है अब देखो रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है reflecting क्या होती है कोई लाइट इंसिडेंट हुई और वो रिफ्लेक्ट बैक हुई तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग बट कोई लाइट इंसिडेंट हुई और उसने अपना पाथ को चेंज कर लिया ठीक है जिस मीडियम में वो अपीयर हुई उसमें उसने पाथ को चेंज कर लिया फॉर एग्जाम्पल वाटर वाला हमने पढ़ा था क्वेश्चन टू में कि वो आपके वाटर में चली जाएगी बट उसका पाथ मीन एंगल चेंज हो जाएगा तो दैट इज रिफ्रैक्टिंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ऑब्जेक्ट पी मूव्स टूवर्ड्स अ कॉन्वेक्स मिर विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी अलोंग इट्स ऑप्टिकल एक्सिस द स्पीड ऑफ द इमेज इज ऑलवेज लेस देन बी इज ऑलवेज मोर देन वी इज इक्वल टू बी अ डिक्रीज कम्स क्लोजर टू द मिरर इसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट जो होते हैं अपीयर होगा वो फार्थर फार्दर मतलब दूर अपीयर होगा रियल इमेज से सो so, उसकी जो आने की स्पीड होगी वो भी क्या होगी वो लेस होगी मीन्स की ए इज द राइट ऑप्शन एन ऑब्जेक्ट अप्रोच अ कन्वर्स लेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप एट द फोकस द इमेज अब इसमें क्या होगा इमेज मूव अवे फ्रॉम द लेंस विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो पास आ रहा है मूव अवे फ्रॉम द लेंस ये भी रॉन्ग होगा मूव अवे फ्रॉम द लेंस विथ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन उसका एक्सलेशन जो होगा वो भी चेंज होता जाएगा मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन नंबर नाइनटीन इन अ डार्क नाइट यू हैव ओनली वन लाइट सोर्स इन योर रूम बट यू हैव टू मिरर्स वन इज कॉन्केव एंड अनदर इज कॉन्वेक्स विच मिररर विल यू यूज टू मेक द रूम लाइट ये डिपेंड करता है कि हम लाइट को किस पोजिशन पर रख रहे हैं तो हम जिस पोजिशन पर रखेंगे उसके हिसाब से हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज को यूज करेंगे तो डी इज द राइट ऑप्शन आइदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द सोर्स नाउ लास्ट क्वेश्चन इन द गि फिगर टू मिर पी एंड क्यू आर सिचुएटेड एट द एंगल ऑफ सिक्स डिग्री विद ईच अदर एंड द रे ऑफ लाइट इज इंसीडेंट ऑन मिररर पी एट एन एंगल फिफ्टी फाइव डिग्री तो सबसे पहले एक ये मिररर है एक ये है इनके बीच की डिस्टेंस सिक्सटी डिग्री है ये इंसीडेंट लाइट है और इसका एंगल फिफ्टी फाइव डिग्री है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए नाउ इसको जूम करके देखो दिस इज एंगल ए हमें इसकी बतानी है वैल्यू बिटवीन इंसीडेंट एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए बिटवीन इंसीडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज इफ द रे अगेन रिफ्लेक्टेड बाई द मिररर क्यू अब पहले यहाँ पे आई ये रिफ्लेक्ट हुई देन ये रिफ्लेक्ट हुई तो हमें ये एंगल बताना है क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है वट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल तो देखो P के लिए दिस इज द इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टिंग फिर ये इसके लिए क्या होगी क्यू के लिए इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टिंग ठीक है तो नाउ हम फाइंड आउट करते हैं वन बाई वन अब यहाँ पर देखो ये जो है दिस इज ये एंगल होगा 90 डिग्री ठीक है नाउ ये जो पार्टीशन है ये पार्टीशन ये इंसिडेंट रे के साथ है तो दिस इज इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लैक्टिंग रे के साथ है तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग एंगल आर ठीक है और यहां पर जो एंगल आई होगा वो इक्वल होगा एंगल आर के ठीक है नाउ एंगल आई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री माइनस इंसिडेंट का एंगल क्या है फिफ्टी फाइव डिग्री माइनस फिफ्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू थर्टी डिग्री मीन आई और आर दोनों की वैल्यू क्या हो गई थर्टी फाइव डिग्री तो ये हमने एक चीज फाइंड आउट की नाउ अब अब हमारा ये जो ट्रेंगल है ठीक है उस इसको हम रेस कर देते हैं इसको ठीक है नाउ अब हमारे इस ट्रेंगल के लिए अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टोटल एंगल क्या होगा वन एट्टी डिग्री अब 180 डिग्री में हमें 55 भी पता है आई और आर की वैल्यू भी पता है तो वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ दिस ये एंगल को हम मान लेते हैं दिस एंगल इज एक्स ठीक है X, ये हमारा एंगल एक्स है क्लियर ऐसे करते हैं लेट दिस एंगल इज एक्स तो एंगल एक्स विल बी इक्वल टू वन डिग्री ठीक है स्ट्रेट लाइन है माइनस समीशन ऑफ दिस मीन्स फिफ्टी फाइव प्लस आई थर्टी फाइव प्लस आर थर्टी फाइव ठीक है सारे डिग्रीज में है ठीक है इनको हम सम करेंगे तो ये क्या आएगा वन एट्टी डिग्री फिफ्टी थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव प्लस फिफ्टी फाइव ये हो जाएगा हमारा माइनस वन ट्वेंटी फाइव डिग्री ठीक है और ये डिफरेंस क्या होगा ट्वेंटी फाइव इज फिफ्टी फाइव डिग्री ठीक है तो मीन्स x की वैल्यू क्या होगी फिफ्टी फाइव डिग्री नाव अब हमें अगर a फाइंड आउट करना है तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना होगा और ये किसका है इस ट्रैंगल का और ट्रैंगल के सभी एंगल्स का समेशन क्या होता है वन एट्टी डिग्री तो ये क्या हो जाएगा लेट दिस वैल्यू इज y तो y इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल एंगल मीन्स वन एट्टी डिग्री माइनस नोन एंगल्स नोन एंगल्स में एक सिक्सटी डिग्री हमें पता है दूसरा भी हमने कैलकुलेट किया था फिफ्टी फाइव डिग्री तो नाउ दिस वैल्यू इज 180 एटी डिग्री माइनस सिक्स प्लस फिफ्टी क्या हो जाएगा 115 डिग्री तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 65 डिग्री क्लियर है ये एंगल वाई क्या हो गया है? 65 डिग्री नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना होगा ठीक है 65 डिग्री हो गया तो so, नाउ ये ये जो नॉर्मल लाइन है जो हम सेंटर में कर रहे हैं इंसिडेंट और आई और आर एंगल मीन्स की इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल के बीच में तो ये समेशन जो होता है दैट इज़ नाइन्टी डिग्री अगर ये नाइन्टी डिग्री है तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट विल बी नाइन्टी डिग्री माइनस वाई इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री माइनस सिक्सटी फाइव डिग्री इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिग्री तो एंगल ए क्या हो जाएगा आई प्लस आर और आई और आर इक्वल होंगे तो एंगल ए क्या हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिग्री प्लस ट्वेंटी फाइव डिग्री इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस थैंक यू सो मच